29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए बालताल बेस कैंप में यात्रियों की सेवा के लिए विभिन्न लंगर समितियों ने अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। लंगर मालिक बालताल बेस कैंप में शेड, खाना पकाने के संसाधन और अन्य कच्चे माल की तैयारी कर रहे हैं। श्री भोले भंडारा सेवा मंडल मुरादाबाद लंगर के मालिक हर साल बाबा भंडारी के भक्तों के लिए लंगर लगाते हैं। वे पिछले 20 सालों से भोले बाबा के भक्तों की सेवा में लगे हैं। श्री भोले भंडारा सेवा मंडल के मालिक ने कहा कि वे श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु को आराम, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी कर रहे हैं। वे यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करके बहुत खुश होते हैं। ये हम पिछले 20 सालों से भंडारा लगाते चले आ रहे हैं, और क्योंकि कल से वहाँ पे काम शुरू स्टार्ट करना है, इसलिए हमारे 9 ट्रक, एक पिकअप और एक स्कॉर्पियो आज अभी पहुँच रही है बालटाल। रात को कल सुबह से काम स्टार्ट करना है, और कि काम बहुत तेज करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन के बाद ईद है, तो लेबर की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें खाने का इंतजाम, रहने के लिए फिर मेडिकल फैसिलिटी और लाइटिंग अरेंजमेंट जो मुरादाबाद श्री भोले भंडारी सेवा मंडल करता है, वो सारे कार्य बरकरार रहेंगे। तरह आए यात्री आए, अच्छी तरह से आए, अपने रजिस्ट्रेशन की जब उनकी डेट्स हो तभी वो लोग आए, अननेसेसरी रश ना करें, डेट के हिसाब से अपना आए और दर्शन करें और आराम से घर पहुंचे। भले सपोर्ट मिला, कहीं कोई रोकने की जरूरत नहीं, फोन पे सब मैसेज कर दिए थे, वो सब जगह आगे कन्वे थे और कहीं कोई रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जो मुरादाबाद से चला हूँ, ये 20वां भंडारा है हमारा, और ट्रकों के साथ पूरी लेबर लेकर मैंने जो चला हूँ वहाँ पर लखनपुर में मेरे ट्रकों की पूरी पीडीएफ बनाई पुलिस ने, और हाथ पाथ पूरी जो है पीडीएफ डाल दी वहाँ पर। रास्ते में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं पहुँची मिली, और जहाँ जहाँ उधमपुर प्रशासन मिला, ट्रैफिक एसएसपी की तरफ से ओके हो गया, रामबन से ओके हो गया, हर जगह श्रीनगर में हमें कोई भी आर्मी से सीआरपीएफ से कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं भी हमें किस तरह की कोई रुकावट नहीं मिली। यात्रियों के लिए हम भरपूर सेवा करेंगे, और यात्री अपने समय पर अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो मेडिकल कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया बैंक से, वो अपने समय से आए और यात्रियों की सेवा के लिए आए हैं, भक्तों की सेवा के लिए।